राम बाण से आहत रावण युद्ध भूमि में लेटा था। याद राम को करता वह और अंतिम सांसें लेता था। उधर युद्ध से श्रमित राम भी एक शिला पर बैठे थे। पीछे खड़े हुए लक्ष्मण कुछ विजय गर्व से ऐठे थे। कहा राम ने लक्ष्मण, माना ये रावण अभिमानी है, पर प्रकांड पंडित है या कितने विषयों का ज्ञानी है, कितनी विद्याओं का बस यह एक अकेला ज्ञाता है। कई गुण मंत्रों का तो बस मूल उसे ही आता है। मरने पर रावण की ये विद्याएं लुप्त हो जाएंगी, अद्भुत विद्याएं जग से लंकापति संग हो जाएंगी। जाकर उसके पास भाई, वो विद्याएं तुम ले आओ और प्रसार करके उनका तुम सारे जग में यश पाओ। आज्ञा शिरोधार्य करके लक्ष्मण रावण के पास गए। निकशीस के रावण के रामानुज जा खड़े हुए, बोले लक्ष्मण, श्री राम की आज्ञा से मैं आया हूँ, सभी तुम्हारी विद्याएं मैं तुमसे पाने आया हूँ। बहुत जोर से हंसकर रावण बोला, तू तो भोला है, क्या तेरे भाई ने तुझपे या रहस्य न खोला है। गुरु के सिर पर चढ़कर भी क्या कभी किसी ने कुछ पाया। अहंकार के बंद पटों के पार ज्ञान क्या जा पाया। विद्या तो है लक्ष्मण, केवल गुरु के चरणों में रहती है। गुरु के ही चरणों से उसकी अविरल धारा बहती है। तनिक सकुच कर लक्ष्मण रावण के पैरों के पास गए, किया निवेदन रावण से, फिर गुरु बन उनको सिखलाए। तब रावण ने लक्ष्मण को सारी विद्याएं सिखलाई, ज्ञान दान देने में कोई नहीं कृपणता दिखलाई। सबसे बड़ा ज्ञान लक्ष्मण ने रावण से था यह पाया, अहंकार के रहते कोई ज्ञान न पूरा हो पाया, ज्ञान न पूरा हो पाया। प्रश्न उत्तर। प्रश्न, रावण कहाँ व किस हाल में था? उत्तर, रावण युद्ध भूमि में था और मरने की हालत में था। प्रश्न, राम ने लक्ष्मण को रावण के पास क्यों भेजा? उत्तर, राम ने लक्ष्मण को रावण के पास उसकी सारी विद्याएं लेने के लिए भेजा। प्रश्न, लक्ष्मण रावण के पास जाकर कहाँ खड़े हुए? उत्तर, लक्ष्मण रावण के सर के पास जा कर के खड़े हुए। वीडियो देखने के धन्यवाद।